आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 13 का 21वां सवाल बनाने जा रहे हैं और 21वें सवाल में कह रहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघला करके जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो गोला दिया गया है, जो 27 गोले दे रखे हैं उनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है, 27 गोलों में प्रत्येक की त्रिज्या बराबर आर, 27 गोले हैं पर बना आयतन का योग बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो 27 जो गोले हैं इसको जब पिघलाओगे उसका की त्रिज्या आर है, यहां पर 27 × 4/3 πr³ ये एक गोले का आयतन है, इस प्रकार से 27 गोलों का आयतन, तो 27 इंटू हो जाएगा 4/3 πr³ बराबर बड़े गोले का आयतन 4/3 πr³, क्योंकि बड़े गोले की त्रिज्या जो है वो r डैश है। तो यहाँ पर 4/3 π 4/3 π कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 27 r³ बराबर r′। 27 r³ किसका क्यों हो जाएगा, 3 r का होल क्यूब बराबर r′ का होल क्यूब, क्यूब कैंसिल कर दो तो r′ बराबर 3 r। बड़े गोले की त्रिज्या भी बड़े गोले त्रिज्या आर डैश बराबर है 3 r। तो अब बड़े गोले का वक्रतुष्ट निकालो, बड़े गोले का वक्रतुष्ट बराबर बराबर हो जाएगा 4πr² यहाँ पर आ जाएगा 4πr² का मान है 3 r का होल स्क्वायर। तो 3 × 9 = 36 πr², इसको हम कर लेंगे एस डैश। तो यहाँ पर 27 गोलों में से प्रत्येक गोले का वक्रतुष्ट एस बराबर 4πr² और उन 27 गोलों से जो बड़ा गोला बना है उस बड़े गोले का वक्रतुष्ट एस डैश बराबर 36πr². अब कह रहा है कि इनके दोनों के वक्रतुष्टों का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो एस अपॉन एस डैश बराबर 4πr² / 36πr², πr² / πr² कर लो, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36। तो एस एस डैश बराबर आ जाएगा 1/9। तो एस अनुपात एस डैश बराबर 1/9। ये आपका दूसरा आंसर आ गया और पहला आंसर
बाद सवाल नंबर अगला है, करत दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिमी व्यास वाले एक गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई, कितने मिमी क्यूब की आवश्यकता होगी, यानी इस गोली का हमें क्या निकालना, आयतन ज्ञात करना है। बाईसवां है गोली के आकार की कैप्सूल, गोली के आकार के कैप्सूल का जो है व्यास है 3.5, अब व्यास बराबर 3.5 मिमी है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2, 3.5/2 ये त्रिज्या आ गई। अब इस कैप्सूल का क्या निकालें, आयतन, तो कैप्सूल का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 22/7 3.5/2 3.5/2 3.5/2 2×2=4 4 कैंसिल कर लो, यहाँ पर 2 से कैंसिल करके 11 कर लो, 7×35=0.5। अब इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो 35×35 25 5×15=20 30×2=32 और 3×3=9 और 9 और 2 हासिल आएगी 1225। अब 1225 में गुणा करना है 11, तो 11×55 11×22=27 11×22=24 और 11×11 11×13 और इसमें बेटा गुणा करना है 0.5 का, तो 25 65×37 और 5×20 3×23 और इसके बाद 5×15=217 और 5×5=6 67.375/3 3×6 3×6 3×12 1 बचा 3 5 है 12×1 बचा 3 5 15 3×8=24 1 बचा है 3×9 लगभग में आ जाएगा, तो जिसे लिख सकते हैं हम 22.46 मिमी। उस कैप्सूल का जो आयतन है वो 22.46 मिमी आ गया। इसके बाद अगला सवाल है 23वां, पीतल से बने एक अर्धगोला का कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 है, अंदर का व्यास है 10.5, 16 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है, और वो भी कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है और अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दे रखा है 10.5। अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या व्यास दिया है 10.5, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2। अगर चाहे तो 0.5 हटा लो, 0 बढ़ा लोगे, 5 से काटोगे 21 बार, यहाँ पे काटोगे 4 बार, ये हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। तो 21/4 सेंटीमीटर उस कटोरे की त्रिज्या आ गई। अब इस अर्ध
अंदर अंदर उसको कलई कराना है, तो आप जो गोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्रत, आंतरिक वक्रत बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आधा कटोरा है तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 22/7 × 21/4 × 21/4, 7 × 21, 2 × 2 = 2, 2 × 4 11 × 33, और 33 में गुणा कितने करना है, 21 का तो 21 × 63 3 हाथ में है, और 21 × 63 और 63 और 6 हो जाएंगे 69/4, 4 × 4 = 2, 4 × 28 = 1, 4 × 12 = 1, 4 × 8 = 20, इतने वर्ग सेंटीमीटर उस कटोरे का अंदर का वक्रष्ट आ गया। अब उसके वक्रष्ट में कह रहा है कि 100 सेमी स्क्वायर की दर से उसे 16 रुपए खर्च करना पड़ता है, तो 100 सेमी स्क्वायर में कलई करवाने का व्यय है बराबर 16 रुपए, इसलिए 1 सेमी स्क्वायर में कलई करवाओगे दिया जाएगा 16/100, हमें कराना है कितने में, 173.25 सेमी स्क्वायर में कलई कराएंगे, तो 173.25 × 16 और बटे हो जाएगा 100, 16 गुणा कर लो, 16×5 = 80, 0 × 16 = 32 और 48 हासिल 4 × 16 = 48, 48 × 4 = 52 हासिल 5, 16×7 = 112, 112×5 = 117 हासिल 11 और 16×16 = 17, 27। यहाँ पर पहले 2 अंक दशमलव लगा दो, बटे 100 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 27 रुपये 72 पैसे, 27 रुपये 72 पैसे उस कटोरे में कलई कराने का खर्च आ जाएगा। इस पर सवाल नंबर है 24वां, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का वक्रष्ट दिया गया है, तो गोले का वक्रष्ट बराबर 4 पाई आर स्क्वायर और वक्रष्ट है 154 बराबर 4×22/7 × r², तो r² बराबर 154 × 7 / 4×22, 22×154 r² बराबर 49/4, तो r² बराबर हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, इस पर स्क्वायर काट दो, r बराबर 7/2 बराबर 3.5 सेमीमीटर, ये उसकी त्रिज्या है। इसके बाद अगला सवाल है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपने इससे पहले भी इस सवाल को लगाया था कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना था, इनका आयतनों का अनुपात, और यहाँ पर कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप पृथ्वी का मान लो, माना पृथ्वी का व्यास बराबर डी है, माना पृथ्वी का व्यास बराबर डी, तो त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगी D/2। फिर इसके बाद चंद्रमा का व्यास,
चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है, ये हो जाएगा डी अपॉन फोर। तो आई टू बराबर हो जाएगा डी अपॉन फोर इंटू टू बराबर डी अपॉन ए। ये आपके चंद्रमा की त्रिज्या आ गई, ये चंद्रमा की त्रिज्या आ गई, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब हमें दोनों का क्या निकालना है, बत्तस्थ निकालना है। तो चंद्रमा का बत्तस्थ बटे अनुपात क्या करना है, तो चंद्रमा का बत्तस्थ बटे पृथ्वी का बत्तस्थ, चंद्रमा का बत्तस्थ बटे पृथ्वी का बत्तस्थ बराबर यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर टू स्क्वायर बटे 4 पाई आर वन स्क्वायर, जिसमें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लो। तो यहां पर आर टू की जगह पे आ जाएगा डी अपॉन एट का होल स्क्वायर बटे डी अपॉन टू का होल स्क्वायर बराबर डी बटे 64 और डी स्क्वायर बटे 4, डी से डी कैंसिल कर तो ये 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 बटे 64, 4 एकम 4 16 बराबर 1/16 आ जाएगा, जिसमें लिख सकते हैं 1/16। चंद्रमा और पृथ्वी के बत्तस्थों का जो अनुपात है वो 1/16 है। इसके बाद अगला सवाल है 26। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेमी मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है, कटोरे का बाहरी बक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कटोरे का बाहरी बक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर और उस कटोरे में जो स्टील लगी है उसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर, मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी भीतरी त्रिज्या प्लस 0.25 बराबर 5.25 सेंटीमीटर। अब कटोरे का कह रहा है बाहरी बक्रपृष्ठ निकालना है, तो बाहरी बक्रपृष्ठ निकालना है तो बाहरी त्रिज्या लगेगी, भीतरी बक्रपृष्ठ निकालना होगा तो भीतरी त्रिज्या लगेगी। तो यहाँ पर बाहरी बक्रपृष्ठ निकालना है। तो अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी बक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी बक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा 2 × 22 5.25 × 5.25। देखो ये कट रही है कि नहीं कट रही है, 7 × 7 49 और 7 × 35 कट जाएगी आसानी से, 0.7 × 7 49 × 3 7 × 35 ठीक है। अब इनका सत्ता में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 22 × 44 44 का गुणा करता हूँ 525 में, पहले 4 × 20 और 4 × 8 और 2 × 10 और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 20 और 1 × 21 0012 00132 दिया जाएगा। फिर इस बार उसमें गुणा करने का करना है 75 का 0 0 5 5 15 5 10 और 11
जीरो जीरो पाँच सात पाँच बारह दो एक तीन सात और एक। अब यहाँ पर दशमलव लगेगी, दो दो चार अंक का किया जाएगा।